पूरनपुर सीओ ऑफिस के पास प्राथमिक विद्यालय चल रहा है, जो कि सरकारी विद्यालय होने के बाद भी बच्चों को शिक्षा के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय में 180 बच्चों के नामांकन है, पर यहां पर इन्हें शिक्षा देने वाला कोई नहीं है। एक शिक्षिका के भरोसे 180 बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। वहीं शिक्षिका का कहना है कि मेरा सारा समय बच्चों की देखरेख में गुजर जाता है और मैं इन बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में बच्चों को क्या मिलेगा? ये कहाँ है विद्यालय? ये विद्यालय एसडीएम कार्यालय के बगल में पूरनपुर। मैडम, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चे, लगभग कितने बच्चे हैं यहाँ स्कूल में? 77 नामांकन है यहाँ का जी, जो कि पिछले वर्ष केवल 120 ही था। इस वर्ष इसका नामांकन बहुत ही प्रयास करने के बाद 178 तक पहुँचा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपका स्टाफ कितना है टीचरों का? लगभग मेरा बहुत, अभी तो मैं लगभग 3-4 महीने से अकेले ही कार्यरत हूँ। यहाँ पर हमारे साथ एक शिक्षा मित्र है, श्रीमती अंजू वाजपेयी, वो जो है जुलाई लास्ट से प्रसूता पास है। और एक गीता मैडम है जो पहले अगस्त मार्च लास्ट 2017 से अवैतनिक अवकाश पर चल रही है, एक वर्षीय अवैतनिक अवकाश पर। अभी तक वो फिलहाल वापस नहीं आई है क्योंकि उनका डिग्री कॉलेज में सिलेक्शन हो चुका है। तो जैसा कि मैडम, फिर आप इतने सारे बच्चों को अकेले किस तरीके से डील करते हैं? बहुत मुश्किल है क्योंकि विद्यालय ऑन रोड स्थित है। बच्चों को, एक इंसान को यहाँ पर बच्चों की पैदी के लिए चाहिए, कोई बच्चा रोड पर ना जा पाए। प्लस रोड पर जो स्कूल का शौचालय है वो रोड के उस पार है, तो दिन भर जो बच्चे जो है शौचालय से आना जाना रोड से क्रॉसिंग करते रहते हैं। और बगल में ही जो है सरकारी अस्पताल है, तो दिन भर जो है एम्बुलेंस का भी यहाँ से आवागमन बना रहता है। तो इन बच्चों को मैनेज करना क्या, मैं तो इन बच्चों को शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं दे पा रही हूँ, केवल इन बच्चों को नॉर्मली जो सुविधाएं होती। वही मोहल्ले के क्षेत्र पंचायत सदस्य संजय खान से जब स्कूल के संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह कई बार स्कूल के स्टाफ को लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत की है, प्रधानमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की, पर आज तक किसी तरह से कोई आश्वासन नहीं मिल सका। यह देखकर ऐसा लगता है कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि मानक के अनुसार 35 बच्चों पर एक अध्यापक नियुक्त किया जाता है। मेरा नाम संजय खान है, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य पूरनपुर देहात से हूँ। देखिए, जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं ये प्राथमिक विद्यालय नई बस्ती बिल्कुल सीओ ऑफिस के बिल्कुल बगल में है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 180 बच्चे का नामांकन है और लगभग रोज की तादाद में मैं खुद देखता हूँ, यहीं रहता हूँ, खुद देखता हूँ 140 से 150 बच्चे पर डे रोज आते हैं। बस बात यह है, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर एक ही टीचर जसप्रीत मैडम जो हैं वो एक ही टीचर यहाँ पर हैं, और इतने बच्चों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल की बात है। आप देखिए कि मेरा मतलब स्कूल की साइड रोड के बाद में शौचालय भी है और चला फ्री काफ़ी है, एम्बुलेंस वगैरह हैं, मोटरसाइकिल वगैरह हैं, साइकिल हैं, कार वगैरह हैं, सब चलती रहती हैं। तो उस व्यवस्था को बनाने में ये मैडम जी लगी रहती हैं, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन बच्चों के सीधे सीधे मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है।